नित्यानंदम, मेरा नाम मुकेश सारडा है और मैं परमेष्टी महाराज के बारे में थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। परमेष्टी महाराज अमेरिका से फ्लोरिडा से है। उन्होंने जो 21 स्वामी जी के यहाँ 25 दिन का इनर अवेकनिंग प्रोग्राम किया था और वो आपको इंग्लिश में जानकारी देंगे और मैं उसको वापस ही हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। नित्यानंदम परमेष्टी महाराज, कैसे हैं आप? नित्यानंदम जी, मैं ठीक हूँ। I'm actually in half Indian and half Mexican, and my mother is from Hyderabad, India. So I understand Hindi completely. I just have trouble speaking. Yes. So I'm going to be speaking in English and I'll translate. Translating. Yes. So today I want to talk about my experience at Bangalore International Airport and what I had to go through in order to get back to my home, Nityananda Peetham. So after my inner awakening experience, I'll translate this much. तो परमेष्टी महाराज यहाँ पे इंडिया में कब किया था आपने इनर अवेकनिंग? जुलाई 2017 में इन्होंने इनर अवेकनिंग किया था। ये जुलाई ये इनर अवेकनिंग कार्यक्रम जो है वो इतना अद्भुत कार्यक्रम है, इससे आपके जीवन के कई पहलू यानी आपको आपके सामने प्रदर्शित होते हैं और यूनिवर्स में ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ है नहीं होगा। और ये दिसंबर में जो प्रोग्राम होने वाला है, दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्मिक इवेंट, तो दैट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन दिसंबर 16 को शुरू होगा और 9 जनवरी को ख़त्म होगा। तो लेकिन परमेष्टी महाराज ने एक यही ऐसा कार्यक्रम किया था जुलाई में, और जुलाई 2017 में किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाऊंगा। ब्रह्मचर्य व्रत उनके लिए होता है कि उन्होंने डिसीजन संकल्प लिया है कि मैं भोग विलास में आयुष्य नहीं लगाऊंगा, मैं अपना पूरा मैं परमेष्टी महाराज को ही ये प्रश्न पूछता हूँ। परमेष्टी महाराज, आपने व्हाई डिड यू टेक ब्रह्मचर्य? I took Brahmacharya because during my inner awakening, I automatically recognized Swamiji was my guru, and I automatically recognized that I had to spend the rest of my life here, and I'm going to become enlightened during my path. And it was simple as that. I went home and I completed with my family, and I came back. Yes. So. परमेष्टी महाराज ये बता रहे कि जब स्वामी जी के साथ उनका जब ये इनर अवेकनिंग कार्यक्रम किया तो उनको वो क्लिक हो गई कि जहाँ पे उनको पता चल गया कि यानी जन्मों से इन्होंने स्वामी जी के लाइक यू नो वो परमहंस नित्यानंद स्वामी ही उनके गुरु है और उन्होंने इसी कार्य के लिए अवतार लिया है और वो मेरे लिए ही आए हैं और मैं हिज अवतार इज जस्ट फॉर यू, राइट? सो और ये तब उन्होंने डिसाइड किया था कि माता पिता के पास जाके वो पहले उनको समझाएंगे और मनाएंगे और फिर माता पिता ने बोला ठीक है आप जा सकते हो। और फिर जुलाई में इनर अवेकनिंग करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के बाद कई फायदे ये होते हैं कि जो शक्तियाँ दिव्य शक्तियाँ, इट आल्सो हेल्प्स इन द पावर मैनिफेस्टेशन, राइट? ट्रिमेंडसली। तो जब आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो तो ये शक्तियाँ भी बहुत दिव्य शक्तियाँ जो है आपकी आपका शरीर कैपेबल हो जाता है इन दिव्य शक्तियों को धारण करने के लिए। तो ये एक और कारण था। और फिर उन्होंने वो जब वापस आ रहे थे माता पिता को मनाने के बाद भगवे वस्त्र पहन के, तब
उनका सामना बेंगलोर के इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ हुआ. अब वो ब्यौरा देंगे उसका. So on my plane ride back, it was fine, but the real problem began when I landed and I met the immigration officers. When I came off the plane, they immediately looked at me and I was in the line to get my baggage, and they pulled me aside and said, "We have to ask you a couple of questions." So they took my passport, took my ID, took all my paperwork, and asked me where I was going, and they were concerned because I had a Muslim-born last name, and I am now a practicing Hindu. एक मिनट, ये पॉज. तो जब इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने इनको बीच में उन्होंने देखा कि इन्होंने भगवे वस्त्र पहने हैं, नित्यानंद स्वामी जी का जो कंठमाला है, कैन यू शो द कंठमाला प्लीज, तो ये कंठमाला है. और तो उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई और वो पूछने लगे कि तुम, उन्होंने पासपोर्ट पे नाम देखा, ये मुस्लिम नाम है और ये भगवे वस्त्र पहन के नित्यानंद स्वामी जी के आश्रम में जा रहे हैं. तो उन्होंने फिर टोकना चालू कर दिया. मैं वापस देता हूँ. They asked me why I was following Swamiji, why did I convert my religion, where is my parents from. I understand all of this is needed for security purposes, but then the question started getting towards more personal. Will pause. Yes, more personal. तो उन्होंने पूछना चालू कर दिया, मैं कहाँ जन्मा हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं, तुम स्वामी जी को क्यों फॉलो कर रहे हो, तुम हिंदू धर्म क्यों अपना रहे हो. अब ये जानने के बाद अब वो और सचेत हो गए. The questions started to come in the line of, why do you follow Nityananda? What does he do for you? There's so many other gurus in India. Why follow him? What's so special about him? As if I had to prove my loyalty or my faith and why I have it. तो इमिग्रेशन ऑफिसर ये पूछ रहे हैं कि परमहंस नित्यानंद स्वामी को आप क्यों फॉलो कर रहे हो, उनमें क्या विशेषता है. जैसे एक स्त्री को अपने पति के बारे में सतीत्व देना पड़ता है, वैसे परमेश्वर वुमन हैज़ टू प्रूव हर चेस्ट हस्बैंड. तो उस प्रकार से इन्होंने, इमिग्रेशन ऑफिसरों ने परमेश्वर महाराज की ड्रिलिंग चालू कर दी. तब ये कितना, भारत हिंदू राष्ट्र है, आप अपनी संस्कृति ऐसी है कि जो भी भगवा वस्त्र पहनता है तो हमारे it's said in Hindus, you know, that once you are in a Kavi, you don't ask what your origin is and you don't go in too much detail, because that's the Sanskriti of Bharat. Yes. Honestly, rishiyo ka na koi mool poochte hai na, we don't ask the origin of the rivers, and we don't ask the origin of the rishis and all that, because they are you know, they don't believe in this body, they are for the higher. But it is so abusive that after, because of seeing Kavi and because of seeing Nityananda's this thing, the custom officials you know, had to grill you so much and ask you, why are you following now, please share that. तो समझ में आया दोस्तों कि कितना नित्यानंद भक्तों को कितना पब्लिक प्रोसिक्यूशन. क्योंकि एक तो है, नित्यानंद के भक्त जो है वो एकदम कट्टर हिंदू रहते हैं, यानी वो सिक्युलर हिंदू नहीं होते. सिक्युलर हिंदू वो होते हैं जो सोचते हैं कि ओ सब भगवान एक ही है, यानी सब खाना आप घर में खाओ या रसोई में खाओ या किचन में खाओ या बाथरूम में खाओ, खाना एक ही है. वो उनकी मेंटालिटी जो है वो ऐसी है. और एनीवे, बैक टू परमेश्वर महाराज.
And so I felt really uncomfortable trying to prove, I'm a Westerner trying to prove why I came to the East to follow my spiritual path the way I was doing. I felt like everything, all the horror stories that they said about India were maybe true, that everything was corrupt, everyone was there just for your money, everyone was just a power struggle, and whoever in power can just push you around however they wanted to. That was the impression I got when I landed. तो परमेश जी महाराज बोल रहे हैं कि जो भारत का बाहर के लोगों ने जो यानी भारत का के बारे में जो भारत अमेरिका में वो जहाँ रहते हैं फ्लोरिडा में ऑरलैंडो फ्लोरिडा के पास में वो रहते हैं तो उनको लोगों ने जो बताया था कि ओ भारत में पैसा दे के कुछ भी हो सकता है यहाँ पे धक्का मुक्की जिसके आई वोंट गो इन ज़्यादा डिटेल लेकिन अच्छा चित्रण नहीं दिया था तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने वो उससे ज़्यादा गंदा चित्र वहीं पे प्रदर्शित करना चालू कर दिया. ये नरेंद्र मोदी जी इनक्रेडिबल इंडिया मेक इन इंडिया क्या क्या कर रहे हैं और मोदी इज़ ट्राइंग टू से दैट आई कम टू इंडिया वेलकम इंडिया एंड भारत यू नो आई एम फ्रॉम इंडिया आई एम प्राउड ऑफ द अतिथि देवो भव लाइक यू नो आवर हिंदू संस्कृति स्टैंड फॉर मीन्स वी इन्वाइट द गेस्ट यू नो वी यू आर रियली आवर ओरिजिनल रूट्स बट जस्ट गॉन देयर बट वी इट्स आवर इन आवर लाइक यू नो हिंदू धर्म द फाइव प्रिंसिपल्स आर like matru devo bhava we always you know respect mom the highest right the female divine then we respect father then we respect the teacher like guru like paramahansa nityananda guru right not the school teacher but we respect them also but then we you know atithi devo bhava like the person who yes. came without and, you know and all that but yes And after coming to India, living in India for some time now, I can tell you that India is very much that. Very much a loving community, loving nature, loving... Nityananda, my name is Mukesh Sarda, Parmesh Ji Maharaj is with me. And immigration officer, this is our part 3 video. And in this video, we want to tell that in immigration officer, अफसर ने इनके हाथ में चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में प्लास्टिक की बोतल रोल कर दी और उसको भी वो एनर्जी का सेंसेशन हुआ. उसके बाद ये मानने के बाद भी उन्होंने और क्या उपदेश दिया परमेश जी महाराज को तो ये मैं उनको दे रहा हूँ. सो I, after rolling the bottle off of his hand, he became convinced that, okay, Swamiji is something special. Swamiji is someone different. Swamiji actually is a valid guru because he can give these shaktis. These shaktis are not what Paramahamsa Nityananda Swamiji has to do to prove himself. Everything. Dust of his feet. These are just the dust of his feet. That's great words to choose. These are just very simple, basic things that he can do and just show anyone, but it's not that. That's not what makes Swamiji great. What makes Swamiji great is the responsibility he takes up for the whole world and the responsibility he's taking to revive Sanatana Hindu Dharma. Yes. And to for me to have to prove a shakti... Sanatana Hindu Dharma ki jai. Jai. For me to have to prove a shakti to come into the country is outrageous. After he was convinced, he told me, next time, in order to enter the country, I should have a missionary visa. And at that point, I agreed. I said, okay, next time I will have it, and I left. After coming here, and after hearing about everyone else's struggle, and after hearing about the laws, the actual laws required in order to enter the country, we have all been shown and informed that we are following the laws, that we are here not as missionaries. We are not here as Christian or Muslim or any other religious missionary trying to convert Indians to any other religion. We are here to come explore our own spirituality, explore Hinduism, the native religion, and live our life peacefully and within the limits of the law and within the limits of our own visas. So we are here
justifiably, and we do not need a missionary visa to enter because we are not missionaries. And I want everyone to know that. Yeah, and Hindu religion is the only oneness religion. Where now in the new Inner Awakening program, Maha Sadashivam Tulu, we are going to invite the aliens. We are going to go in other lokas, you know. So if you do come for Maha Sadashivoham Chalo, the next Inner Awakening, which is going to transform you, you can just change immigration officers, you know, cognition. Yes. And you don't need a special visa to go to another loka. Loka, yeah. Yes. So don't worry. Maybe we'll learn the teleportation and we'll be able to just enter without those stupid guys. Thank you again. Thank you for listening, Nityanandam, and we are really thank you, Parmeshti Maharaj, for taking time in spite of this construction busy schedule. And this is a very important message that needs to be heard. So please take this and as share as a warning and yes. share it. Yes. And please subscribe to Parmeshti Maharaj YouTube channel also, and we'll link it in the description. My YouTube channel also. And be blissful, enjoy, Nityanandam. Nityanandam, ये part 2 video का हम Parmeshti Maharaj, I'll just give a quick introduction. मेरा नाम मुकेश सारडा है, मैं परमहंस नित्यानंद स्वामी जी का devotee हूँ और मेरे साथ Parmeshti Maharaj है, जो स्वामी जी के भक्त है और ये part 2 है हमारे video का. On the last part, I was talking about my ideas about India, and I want to say that after coming to